आज जो हमने पहली टर्म समझी है वो है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 16 ग्राम, क्योंकि 16 उसका एटॉमिक वेट है, तो 16 ग्राम उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। और कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 12 ग्राम, तो 12 उसका एटॉमिक वेट है, उतना ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये पहली टर्म आज हमने समझी है। तो एटॉमिक वेट से रिलेटेड जो तीनों टर्म्स हैं है ना, वो एक बार और देख लेते हैं, फिर आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे हीलियम का रिप्रेजेंटेशन है 2HE4। ठीक है, तो एब्सोल्यूट या एटॉमिक है ना, इसको एब्सोल्यूट भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ हीलियम रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। ये तीनों वैल्यूज मुझे आपको आप लोग बताइएगा। फर्स्ट एब्सोल्यूट है ना, तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 AMU, वेरी गुड, इट इज 4 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4, करेक्ट, इट इज प्योर नंबर 4, इसके साथ में कोई यूनिट नहीं रहेगी। एंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम, करेक्ट, इट इज 4 ग्राम, बिल्कुल सही, ये हो जाएगी 4 ग्राम। तो ये तीनों डिफरेंस समझ में आ गया ना तीनों टर्म्स का, सभी को क्लियर है? गुड, चलिए जिनको नोट करना है एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर मैं अगली टर्म पे आता हूं विच इज मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। नोट कर लिया है सभी ने? हाँ, अगर आपको एटॉमिक मास मास ऑफ वन एटम इन ग्राम पूछा जाए तो फिर आपको एमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम इन ग्राम, तो आप क्या करोगे, इसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे, तो उस केस में आप इसे लिख दोगे 4 × 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। अगर आपसे कहा जाए कि हीलियम का एक एटम का मास है, ये ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास ये दोनों अलग अलग हैं, दिस इज मास ऑफ वन एटम इन ग्राम, ठीक है, और ये है ग्राम एटॉमिक मास, ये दोनों क्वांटिटीज अलग अलग है, ये एक एटम का मास नहीं है, ये एक एटम का मास। चलिए अब मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट एक ही बात है ना, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट एक ही बात है, दिस इज एवरेज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, दिस इज एवरेज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। तो कोई भी सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है मतलब एक से ज्यादा एटम है अगर उसमें, तो उन सारे एटम्स के एटॉमिक वेट को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, है ना। तो जैसे मैं यहां लिख देता हूं सब्सटेंस और यहां हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। अगर मैंने सब्सटेंस लिखा, ठीक है, ये मैंने लिखा सब्सटेंस, यहां लिखा मैंने उसका मॉलिक्यूलर मास। अगर मैंने सब्सटेंस लिखा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2, वेरी गुड। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मतलब क्या हो जाएगा, O2, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा,
16 प्लस 16 यानी 32, एक एटम का मास 16 ग्राम है, सॉरी 16 एमयू है, तो 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32, सॉरी दिस इज इक्वल टू 32, इसको हम लिख सकते हैं 32, ठीक है। अगर हमने लिखा नाइट्रोजन तो ये N2 हो जाएगा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 14, एक एटम का मास, तो 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 28, या 2 इंटू 14 लिख लो, बात एक ही, दो है तो 2 इंटू 14 दिस इज इक्वल टू 28 AMU लगेगा, हाँ इसके आगे AMU या फिर AMU। अब अगर आपको दिया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का आइटम है और दो ऑक्सीजन का आइटम है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसा आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा एक कार्बन का आइटम यानी 12 प्लस दो ऑक्सीजन का आइटम है तो 2 इंटू 16, तो दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 32, तो दिस इज इक्वल टू 44 AMU, तो दिस इज मॉलिक्यूलर मास। चलिए अगला मॉलिक्यूलर मास आप मुझे बताएं, ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है C6H12O6, चलिए बताएं इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 180 AMU, बिल्कुल ठीक 180 AMU, तो ये हो जाएगा कार्बन के 6 एटम है तो 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस हाइड्रोजन के 12 एटम है तो 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 प्लस ऑक्सीजन के 6 एटम है तो 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 180 AMU, ठीक है, ये 180 AMU, तो दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अब जैसे हमने, क्योंकि ये मास है ना तो एब्सोल्यूट मास होता है इसलिए एमयू, अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है तो फिर उसके आगे एमयू नहीं लगेगा, दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो अगर मास की यूनिट है ना तो मास की यूनिट एमयू है तो वो लगानी पड़ेगी आपको, लेकिन अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है तो फिर ये यूनिट हट जाएंगी, ठीक है। तो ये सबने लिख लिया है क्या, सभी ने लिख लिया, ओके गुड। अब अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाए तो रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास में, सॉरी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में बिल्कुल वैसा ही है, यूनिट हट जाएगी, ये सब्सटेंस है, और यहां मैं लिख दूं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होगा ऑक्सीजन का होगा सिंपल 32, नाइट्रोजन का होगा सिंपल 28, CO2 का होगा 44 और इसका होगा 180, तो इसके आगे आपकी यूनिट नहीं लगती, ये प्योर नंबर होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब क्वेश्चन में मैंने फिर से बताया कि जैसे एटॉमिक मास में आपको कई बार टर्म रिलेटिव नहीं लिख रहती और विदाउट यूनिट एक्सप्रेस कर दिया जाता है, तो कॉमन लैंग्वेज जो होती है ना उसमें कई बार एटॉमिक वेट दे दिया ऑक्सीजन का 16 या मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का लिख दिया 180, तो वहां जाके ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार ये चीजें इग्नोर हो जाती है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट की जगह सिंपल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इज 180 ये लिख दिया क्वेश्चन में, तो आप उसको मान के चल लेना कि भाई ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, बात समझ में आ गई है, तो मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्लियर। चलिए अब इसी तरीके से आप मुझे बताएं इन्हीं का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए 32 ग्राम, करेक्ट ऑक्सीजन का होना चाहिए 32, अब यहां पर यूनिट क्या लग जाएगी ग्राम, नाइट्रोजन का कितना होना चाहिए 28 ग्राम, बिल्कुल ठीक 28 ग्राम, CO2 का कितना हो जाना चाहिए 44 ग्राम, करेक्ट, बहुत फास्ट है आप लोगों का रिस्पॉन्स 44 ग्राम, एंड ग्लूकोज इज 180 ग्राम, बिल्कुल ठीक। तो ग्राम
मॉलिक्यूलर मास में यूनिट क्या लग जाएगी, ग्राम की। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 32 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 ग्राम, CO2 का 44 ग्राम और ग्लूकोज का 180 ग्राम। ठीक है, तो ये सभी टर्म्स क्लियर हैं, मॉलिक्यूलर वेट, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, आप नोट्स पर आपके मॉड्यूल, आप लोगों के पास में मॉड्यूल है क्या, सभी के पास? अच्छा, ज्यादातर बच्चों के पास में, कुछ के पास में नहीं है, कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं एक कॉपी दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी, उसको आप रेफर कर लीजिएगा, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा उसे। फर्स्ट में क्या लिखूं मैं, बोर्ड इज नॉट क्लियर, चलिए दोबारा से लिखता हूं मैं, हाँ दोबारा से लिख देता हूं, ब्लैक से दोबारा से लिख देता हूं। फर्स्ट ये COOH, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज फर्स्ट, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज, फर्स्ट का बताएं, अब बोर्ड क्लियर है ना, फर्स्ट का 60 AMU, चलिए जितने बच्चे हैं सब 60 AMU बता रहे हैं, तो फर्स्ट का आंसर है 60 AMU, करेक्ट 60 AMU। अच्छा सेकंड का बताएं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज, वेरी गुड, इट इज 60, गुड, रिलेटिव एटम मॉलिक्यूलर मास इज प्योर नंबर 60, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 60 ग्राम, करेक्ट, तो दिस इज 60 ग्राम। ठीक है, तो ये तीनों, फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको कई बार लिखा नहीं रहेगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH 60, मतलब वो रिलेटिव की बात कर रहे हैं, यूनिट नहीं लगाते, ठीक है, हाँ, लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 60 नहीं रहेगा, वो 60 ग्राम ही लिखा रहेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में यूनिट लगी रहेगी। ठीक है, तो 60 एक बार समझ ले, जिनका अगर कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 3 × 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 × 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, है ना, इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहते, लिख सकते हैं C2H4O2, कार्बन के दो आइटम है तो C2, हाइड्रोजन के चार है तो H4 और ऑक्सीजन के 2 है तो O2, तो C2H4O2 ऐसे भी लिख सकते हैं।
एक बात और, एक टर्म और मैं आपको बताता हूं, ठीक है। HCl का मॉलिकुलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का कितना होगा 35.5, तो HCl का हो जाएगा 36.5। गुड, ये हो जाएगा 36.5। अब आपको कुछ केस में, जैसे आयनिक सब्सटेंस क्या होते हैं आप जानते हैं ना, जो दो आयन से मिलके बने रहते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो जैसे NaCl हो गया, Na प्लस एंड Cl माइनस, वेरी गुड, ये आयनिक सब्सटेंस है। KOH हो गया, K प्लस एंड OH माइनस। तो कई बार क्या होता है, आयनिक सब्सटेंसेस के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, मॉलिक्यूलर वेट की जगह एक टर्म यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला वेट। बात एक ही है, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, डिफरेंस कुछ नहीं होता, बात एक ही है, कैलकुलेशन वैसे ही होगा। आपको कहीं फॉर्मूला वेट दिखे कि फॉर्मूला वेट ऑफ NaCl इज दिस, तो कंफ्यूज नहीं होना। फॉर्मूला वेट मतलब क्या हो गया, उसका मॉलिक्यूलर वेट जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालना है। ठीक है, जैसे NaCl है, NaCl तो NaCl में पूछा फॉर्मूला वेट, तो फॉर्मूला वेट Na का कितना है 23 प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, तो कितना हो जाएगा ये 58.5। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट ही बोल दें, मॉलिक्यूलर वेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर कभी आपको फॉर्मूला वेट लिखा जाए तो हाँ AMU भी लिख सकते हैं। रिलेटिव टर्म में पूछा है तो नंबर आएगा, और एब्सोल्यूट मास की टर्म में पूछा है तो AMU आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, मास की टर्म में पूछा है तो AMU आ जाएगा, और रिलेटिव टर्म में पूछा है तो 58.5 प्योर नंबर आ जाएगा। बस फॉर्मूला वेट मतलब वैसा ही है जैसा मॉलिक्यूलर वेट है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये नई टर्म कहाँ से आ गई, फॉर्मूला वेट ये तो हम जानते ही नहीं है। फॉर्मूला वेट बिल्कुल वैसे वही होता है जो मॉलिक्यूलर वेट के जैसा कैलकुलेशन होता है, तो डिफरेंस है कि आयनिक सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यूनिट AMU आप लगा सकते हो अगर मास की टर्म में पूछा है, और अगर रिलेटिव है तो, है ना, रिलेटिव है तो उसमें आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वो प्योर नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई है। अच्छा, फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट जो होता है ये आयनिक सब्सटेंसेस के लिए यूज होता है। मॉलिक्यूलर वेट भी कई बार यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा फॉर्मूला वेट ही लिखेंगे। तो कई बार अगर आपको किसी आयनिक सब्सटेंस के लिए दे दिया कि व्हाट इज फॉर्मूला वेट ऑफ, फॉर एग्जांपल NaOH, आपको पूछा कि व्हाट इज फॉर्मूला वेट ऑफ NaOH, तो NaOH का फॉर्मूला वेट वैसे ही निकालोगे जैसे कि आप मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो। सोडियम का कितना है 23 प्लस, ऑक्सीजन का कितना है 16 प्लस, हाइड्रोजन कितना है 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। AMU में पूछा है तो 40 AMU, और रिलेटिव पूछा है तो प्योर नंबर 40। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको इसकी जगह मॉलिक्यूलर वेट भी बोल देते कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, तो बात तो एक ही है ना। आयनिक सब्सटेंसेस के लिए कई बार मॉलिक्यूलर वेट की जगह फॉर्मूला वेट टर्म यूज कर ली जाती है, क्योंकि आयनिक सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए, है ना। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि अगर अगर किसी क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला वेट लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज मॉलिक्यूलर वेट, है ना। कैलकुलेशन वैसे ही होता है जैसा मॉलिक्यूलर वेट का। अब आ जाते हैं हम वापिस से मोल पे, ठीक है, वापिस आ जाते हैं मोल पे। देखिए, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल कैसे कैलकुलेट करना है वो निकाल दिया। अरे एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह सब आएगा बेटा, आगे आगे मत दौड़ो, ठीक है, सब आएगा आगे। तो अब अगर हमें मास पता है और उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो उसका रिलेशन क्या है वो अब हम समझते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सिंपल रिलेशन पर इंपॉर्टेंट है, आगे
फिजिकल आगे केमिस्ट्री में यूज होता रहेगा ये। तो पहले वो रिलेशन लिखता हूं मैं, ठीक है, फिर इसको हम समझते हैं। यहां पर है n इज इक्वल टू m अपॉन m, ये वो रिलेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो n है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, n इज नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ये ध्यान रखना ग्राम में आना चाहिए। कैपिटल M जो होता है ये कहलाता है मोलर मास, कैपिटल M जो होता है ये मोलर मास कहलाता है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये मोलर मास जो होता है दिस इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ एटम्स एंड दिस इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये किसके लिए, टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैपिटल एम इज मोलर मास, दिस इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ एटम एंड दिस इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। पहले इसे नोट करो फिर मैं इसे समझाता हूं। फॉर्मूला वेट में ग्राम, फॉर्मूला वेट नहीं बोलते उसको, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ही बोलते हैं। फॉर्मूला वेट के केस में भी ग्राम फॉर्मूला वेट नहीं बोलते, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ही बोलते हैं। जैसे NaOH है तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 14 हो जाएगा। क्या विजिबल है सभी को, बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। सभी को बोर्ड दिख रहा है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। डन, गुड, चलिए सब लोगों ने लिख लिया ना, अब इसको समझते हैं। देखो अगर आपको मोल्स दिए हैं, है ना, और मास कैलकुलेट, मास दिया है और मोल्स कैलकुलेट करना है, तो मास को किस में रखोगे, ग्राम में, और मोलर मास किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। अगर मोल्स ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो मोलर मास की जगह आ जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, और मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं तो मोलर मास की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे मान लीजिए अगर हमें दिया हुआ है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इन 56 ग्राम नाइट्रोजन, है ना, क्वेश्चन दिया है फाइंड मोल्स ऑफ एटम्स। तो अगर आपको मोल्स ऑफ एटम्स दिया हुआ है, पूछा क्या है, मोल्स ऑफ एटम, तो यहां पर मास कितना हो जाएगा, मास कितना दिया आपको, 56 ग्राम में ही लेना है, और मोल्स ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने तो मोलर मास कितना हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 14 ग्राम, बिल्कुल ठीक, 14 ग्राम। तो यहां पर क्या आ जाएगी वैल्यू, 14 ग्राम। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स ये हो जाएगा
मास अपॉन मोलर मास विच इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 14 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू 4 मोल। बिल्कुल ठीक, 4 मोल। ठीक है, 4 मोल। अब देखो मोलर मास की जो यूनिट होती है ना 14 ग्राम पर मोल होती है। एक्चुअली मोलर मास की यूनिट होती है 14 ग्राम पर मोल, इसको हम पर मोल बोलते हैं। मोलर मास 14 ग्राम पर मोल। जैसे अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मास अपॉन मोलर मास होगा। मास कितना है 56 ग्राम, और क्योंकि मोल्स ऑफ एटम्स निकालने हैं तो मोल्स ऑफ एटम्स के लिए मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, और वो वैल्यू होगी 14 ग्राम पर मोल। तो मास अपॉन मोलर मास, मास है 56, मोलर मास है 14, एटम्स के केस में तो 56 बाय 4 विच इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सभी ने नोट कर लिया है। चलिए जिन्होंने नोट नहीं किया जल्दी नोट करो बेटा। ठीक है, तो मास अपॉन मोलर मास, ये टर्म है मास 56, मोलर मास है 14, तो 56 बाय 14 इज 4। चलिए अब इसके आगे बढ़े, ये हटा दूं मैं। अब इसी में अगर सेकेंड पार्ट आपसे ये पूछा जाए इसी क्वेश्चन में, इन 56 ग्राम नाइट्रोजन फाइंड मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, मास तो सेम रहने वाला है, मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये 56 ग्राम ही रहने वाला है। लेकिन जो मोलर मास होगा तो मोलर मास किसका होगा, नाइट्रोजन गैस का, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास, तो दिस इज गुड 28 ग्राम। तो मोलर मास, क्योंकि मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकालने हैं तो मास अपॉन मोलर मास, फॉर्मूला तो वही लगेगा, मास सेम है 56 लेकिन मोलर मास आ जाएगा 28 विच इज इक्वल टू 2। तो एक ही क्वेश्चन में मास सेम दिया हुआ है, मोल्स ऑफ एटम्स पूछे हैं तो इस फॉर्मूले में मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, और मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं तो मोलर मास जो होगा वो मोल्स ऑफ, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, W बाय M, W लिखो या M लिखो, एक ही बात है। 28 ग्राम ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया ना बेटा नाइट्रोजन का, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था। अब आप लोगों को एक सवाल देता हूं मैं इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सभी ने नोट कर लिया है, अब लिखिए क्वेश्चन। इन 96 ग्राम ऑक्सीजन कैलकुलेट नंबर वन मोल्स ऑफ एटम्स एंड नंबर टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स।
इन 96 ग्राम ऑक्सीजन कैलकुलेट मोल्स ऑफ एटम्स एंड मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। पहले फर्स्ट पार्ट समझेंगे, चलिए फर्स्ट पार्ट, मोल्स ऑफ एटम्स कितने आए, मोल्स ऑफ एटम्स फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ, सिक्स सिक्स समी, सिक्स 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 विनी, सिक्स सिक्स समी, सुमित समीर, अच्छा 12 भी आया आंसर, जतिन सिक्स, पलक सिक्स, प्रिया आदित्य, चलिए सिक्स आंसर आ रहे हैं सभी के। चलो एक बच्चे का 12 आया है, बाकी 6 आए हैं, करें सॉल्व इसे, है ना, करें सॉल्व। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है मास, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 96 ग्राम, मास की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या नहीं, पहला फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, मोल्स ऑफ एटम, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमें कैलकुलेट करने हैं। अब क्योंकि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स कैलकुलेट करने हैं तो मोलर मास की वैल्यू कितनी होगी, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स कैलकुलेट करने हैं तो मोलर मास की वैल्यू क्या लेंगे हम, 16, है ना, क्योंकि एटम्स तो मोलर मास होता है ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। बस अब वैल्यू क्या आ जाएगी, मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन आइटम्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास की वैल्यू कितनी दी हमें 96, मोलर मास कितना हो जाएगा 16, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। चलिए जिनका जिनको नोट करना है वो नोट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया है सभी ने। चलिए अब सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का अब हमें निकालना है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आंसर, अरे पहले आने लग गए, 3 3 3 3 3, 2 भी आया है 3 8 3 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
वैल्यू। तो सेकेंड पार्ट में मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मास की वैल्यू तो 96 ग्राम ही रहेगी, है ना। मोल्स हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2 के कैलकुलेट करने हैं, है ना, O2 के कैलकुलेट करने हैं। और मोलर मास की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो मोलर मास हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, बस कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास इज 96, मोलर मास इज 32, ये वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 मोल हो जाएंगे ऑक्सीजन के, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, 3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस। तो ये एक एग्जांपल हमने समझ लिया जिसमें मोल्स ऑफ एटम्स, अगर मास दिया है तो मोल्स ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करें, और ठीक है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में मैं एक पार्ट थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और उसके बाद में मुझे आप आंसर्स बताएं आपके क्या आते हैं। मैंने क्या किया, यहां पर इन 96 ग्राम ऑक्सीजन की जगह मैंने लिख दिया ओजोन, ओजोन मतलब क्या हो गया O3। अब आप लोगों के आंसर्स क्या है बताओ, यही क्वेश्चन है, इन 96 ग्राम ओजोन कैलकुलेट मोल्स ऑफ एटम्स एंड मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले फर्स्ट पार्ट बताओ मुझे, फर्स्ट पार्ट का आंसर, इसी में अगर मैंने मोल्स ऑफ एटम्स पूछे होते हैं ओजोन में कितने आते हैं, 6 6 3 2 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6
चलिए समझ लेते हैं, मास तो वही रहने वाला है 96 ग्राम। अब हमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछे हैं, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम में 96 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, चाहे ओजोन हो चाहे ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए किससे डिवाइड होगा? 16 से। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 6। तो अगर मोल्स ऑफ एटम्स निकालने हैं वो तो 16 ही आने वाले हैं, चाहे ओजोन हो चाहे ऑक्सीजन हो, तो वो 6 सॉरी है ना, वो 6 ही आने वाले हैं, 96 बाय 16 विच इज 6, चाहे ओजोन हो चाहे O2 हो, है ना, डाइऑक्सीजन हो, उसमें तो सेम ही आने वाला है। हाँ, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट पे अगर आपको मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आई है? 2 मोल, वेरी गुड, इट इज 2 मोल, क्योंकि अब जो मोलर मास है, मोलर मास हमें किसका चाहिए? O3 का। O3 का मोलर मास कितना होगा? 3 × 16 मतलब कितना हो जाएगा? 48 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला वही लगने वाला है, मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास ऑफ ओजोन विच इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 48, दिस इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आंसर हो जाएगा 2। 16 इसलिए लिया बेटा क्योंकि एटॉमिक मास जो है ना, चाहे ओजोन में एटम कौन सा है? ऑक्सीजन, तो एटॉमिक मास तो 16 ही रहेगा ना, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे O2 हो चाहे O3 हो, एटम्स के लिए वैल्यू तो 16 ही रहनी है। ठीक है, ये मोल है ना, तो बस मोल ही लिखते हैं उसको, 2 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्यादा ज्यादा लिखना हो तो 2 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख दीजिए आप। तो मास और मोलर मास का रिलेशन सबको समझ में आ गया है? ठीक है, ओके, तो आगे बढ़े अब यहां से। गुड समीर, ओके, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने एलिमेंट ले लिया, आपको हो सकता है कंपाउंड्स में भी पूछ लें। ठीक है, अब जैसे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो मास किसके बराबर हो जाएगा? मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, है ना, ये भी तो हो सकता है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, रीअरेंज कर दिया, कुछ भी नहीं किया हमने, है ना, मोलर मास से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास के बराबर। तो क्वेश्चन है, फाइंड मास ऑफ 0.4 मोल ग्लूकोज। ग्लूकोज अभी मैंने बताया C6H12O6, फाइंड मास ऑफ 0.4 मोल ग्लूकोज, कीजिए सॉल्व, फाइंड मास ऑफ 0.4 मोल ग्लूकोज। आदित्य 72 ग्राम, ऋषिता ओके, चांद नदीनी 72 ग्राम, ओके, ज्यादातर बच्चों का आंसर 72 ग्राम आया है, सभी का, मतलब जिन्होंने भी आंसर दिया उन्होंने सभी ने 72 ग्राम दिया। चलिए समझ लेते हैं, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, ये आंसर सही है या नहीं। तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो मास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है कितने? 0.4, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना है? 180, दिस इज इक्वल टू 72 ग्राम, बिल्कुल ठीक, तो ये 72 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रिलेशन और इसका एप्लीकेशन सबको क्लियर हो गया है ना, चलिए अब आगे बढ़े। अब हमें अगर मास दिया है और नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, या नंबर ऑफ एटम दिए हैं और मास निकालना है ना, तो अब हम क्या करें? अब देखो, हमने एक रिलेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है,
एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए, और एक रिलेशन अभी हमने पढ़ लिया एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो हमारे पास में रिलेशन क्या आ जाएगा, एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, और ये किसके बराबर है, एन के बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए विच इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो अगर आपको मास दिया है, मोलर मास आपको पता है, एनए की वैल्यू हम जाते हैं, तो यहाँ क्या मिल जाएंगे आपको, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी पूछा है। और अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, मास पूछा गया, तो इससे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस रिलेशन को भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछा ये दिया है कि फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन वन पॉइंट टू ग्राम नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 ग्राम नाइट्रोजन, बता हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, मास की वैल्यू दी हुई है कितनी, 11.2 ग्राम। हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। अब क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो मोलर मास आप कितना लोगे, एटॉमिक मास के बराबर, विच इज इक्वल टू 14 ग्राम, ठीक है। अब यहां रख दे एन अपॉन एन ए की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻², दिस इज इक्वल टू मास कितना हो जाएगा, 11.2 डिवाइडेड बाय 14। इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको मास दिया है तो नंबर ऑफ आइटम्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स दिए तो मास मिल जाएगा। ऐसे ही मास दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए तो मास निकल जाएगा। तो आप इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करके मास से नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स से आप मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी को समझ में आई है ये बात, ठीक है। जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं ऐसे। इसका एग्जांपल आप लोगों को देता हूं मैं, फाइंड मास ऑफ 2.4 × 10⁴ हीलियम एटम्स, कीजिए इसे सॉल्व। फाइंड मास ऑफ 2.4 × 10⁴ हीलियम एटम्स, एट ग्राम, फोर ग्राम, 16 ग्राम, 16 ग्राम, 16 ग्राम, 3 ग्राम, 16 ग्राम, 16, 16 ग्राम, 1.6 ग्राम, 16 ग्राम। ज्यादातर बच्चों का आंसर 16 ग्राम आ रहा है, कुछ बच्चों का 8 ग्राम आया है, एक का 4 ग्राम आया है, ठीक है, 16 ग्राम, ठीक है। चलिए, तो
अब इसको समझते हैं, है ना, ध्यान से समझो, जिनका आंसर नहीं आया वो एक बार ध्यान से समझ लो, ठीक है। क्या गिवन है हमें, सबसे पहले तो ये देखें, हमें गिवन है नंबर ऑफ एटम, यानी आपको कैपिटल एन की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2.4 × 10^24। एन की वैल्यू हम जानते हैं 6 × 10^23। मास हमें कैलकुलेट करना है, और मोलर मास कितना हो जाएगा, हीलियम का मोलर मास कितना है एटॉमिक मास के बराबर, तो एटॉमिक मास कितना है 4 g/mol, ठीक है। तो बस अब इसे यहां अप्लाई कर दें, मास अपॉन, जैसे एन अपॉन एन ए अभी हमने देखा ना, एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा मास निकालना है ना, हमें मास निकालना है, तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा एन अपॉन एन ए इंटू मोलर मास। तो दिस इज इक्वल टू, एन की वैल्यू 2.4 × 10^24, मोलर मास की वैल्यू है 4, डिवाइडेड बाय एन ए की वैल्यू 6 × 10^23। बस अब तो इसे सॉल्व करना है ना, ये एक डेसिमल हटा दूं तो इधर ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू 4, ये 10^24 और 10^24 कैंसिल हो गया, तो 4 × 4 दिस इज इक्वल टू 16 g, बिल्कुल ठीक। तो 16 g जिन बच्चों का आंसर आया है बिल्कुल सही आया है, और वो आंसर ज्यादातर बच्चों का है, सुमित ठीक है, 16 g, ठीक है, ठीक है बेटा। शान 11.611, हाँ 16 है, हाँ हर्ष 16, ठीक है, अदिति 16 g, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, तो इट इज 16 g। एक और क्वेश्चन देता हूं, अ ब्लैक डॉट ऑन अ पेपर कंटेन 12 μg कार्बन, फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दैट डॉट। माइक्रोग्राम प्रीफिक्स लगाया, मतलब 1 μg कितने ग्राम के बराबर होता है, 1 μg, ऐसे ही प्रीफिक्सेस आप लोग जानते हैं ना, 10^-6, बिल्कुल ठीक, ये याद रखिएगा, है ना, 1 μg इज इक्वल टू 10^-6 g, ये प्रीफिक्सेस आपको सबको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार इनकी जरूरत पड़ती है कन्वर्जन की। अ ब्लैक डॉट ऑन अ पेपर कंटेन्स 12 μg कार्बन, फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दैट डॉट। उस डॉट को बनाने के लिए कितने कार्बन एटम्स की जरूरत पड़ी होगी ये आपको बताना है, ट्वेल्व इंटू 10^17, एक मुझे आंसर मिला है 12 × 10^17,
सिक्स इंटू 10^17 ये दूसरा आंसर मिला है मुझे, 6 × 10^20। बोर्ड सबको दिख रहा है बेटा, बोर्ड दिख रहा है? आयुष देखो आपके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी, बाकी बच्चों को बोर्ड अच्छे दिख रहा है अच्छे से? सिक्स इंटू 10^17 ज्यादातर बच्चों का आंसर है, 6 × 10^17। A black dot on a paper contains 12 microgram carbon. Find number of carbon atoms present in that dot. जिनका visible नहीं है मैंने एक बार note करवा दिया है, है ना? तो ये note करवा दिया। 6 × 10^17 ज्यादातर बच्चों का आंसर है 6 × 10^17। विषय 6 × 10^17। Okay. चलो अब देखें, ज्यादातर बच्चों का आंसर 6 × 10^17 है। इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन है ना, आपको गिवन क्या है, मास 12 × 10^-6 ग्राम। मोलर मास कार्बन का कितना लेंगे, 12 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें निकालने हैं और Na की वैल्यू हम जानते हैं 6 × 10^23 होती है, ठीक है? अब आगे बढ़े, हम ये जानते हैं N अपॉन Na इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास इंटू Na। मास की वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू है 12 × 10^-6 इंटू Na की वैल्यू है 6 × 10^23 और मोलर मास है 12। ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो 23 − 6 इज 10^17। तो ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 × 10^17 एटम्स। बिल्कुल सही, आप लोगों का जो आंसर आया है सब लोगों ने सही निकाला है, 6 × 10^17 इतने एटम्स लगेंगे। तो आप सोचो ना, आप पेंसिल का एक मार्क बना देते हो एक पेपर पे, तो एक मार्क में इतने आइटम होते हैं, ये नंबर समझ में आ रहा है कितना बड़ा है? आपने सिर्फ एक डॉट बनाया तो इतने आइटम्स कंज्यूम हो गए वहां पर, तो पूरा पेपर लिखोगे तो कितना आइटम्स कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है? तो ये नंबर बहुत बड़ा है। प्रिया, प्रिया बेटा आज आपकी पहली क्लास है क्या, कि पहले की क्लासेस अटेंड कर ली आप लोगों ने? आपने प्रिया, चलिए फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ ब्लैक डॉट ऑन अ पेपर कंटेन्स 12 माइक्रोग्राम कार्बन, फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दैट डॉट। ये क्वेश्चन है, ठीक है? आपको मास दिया हुआ है, मास कितना है 12 माइक्रोग्राम, तो ये तो हो गई मास की वैल्यू। आपको मोलर मास, क्योंकि कार्बन है तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल, ठीक है? Na की वैल्यू 6 × 10^23 है, हम जानते हैं ये, हम पहले लेक्चर में ही हमने ये समझा था। अब अभी मैंने रिलेशन बताया था, N अपॉन Na इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, अभी बताया था ना रिलेशन, नंबर ऑफ मोल से इक्वेट किया हमने। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास तो ऐसे ही आ जाएगा, और ये Na यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास अपॉन मोलर मास इंटू Na, ये नंबर ऑफ एटम्स हो गए। मास की जगह क्या आ गया, 12 × 10^-6 ये वैल्यू। Na की जगह क्या आ गई, 6 × 10^23 N हमें कैलकुलेट करना है, वो मोलर मास कितना है 12, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 × 10^17 इतने एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए, तो दिस इज
रिलेशन बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ एटम्स. तो अब आपको जो रिलेशन ध्यान रखना है ना वो क्या याद रखना है, n इज इक्वल टू n अपॉन एन ए इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारी सेकंड टर्म हो गई, ये हमारी थर्ड टर्म हो गई. अब ये याद रखो बस आपको, है ना, अगर आपको मास दिया है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दो. क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो, जो गिवन है वो लिखो, जो पूछा गया है वो लिखो. अगर मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वेट कर दो, तो रिलेशन क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, नंबर ऑफ एटम्स है, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, ये वैल्यू गिवन है, ये पूछी गई है, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म को इक्वेट कर दो. फॉर्मूला वही है, हम जानते हैं एन अपॉन एन ए. और अगर आपको मास दिया है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, ये गिवन है, ये पूछा है, तो सेकेंड और थर्ड टर्म को इक्वेट कर दो, तो एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. तो तीन अलग अलग फॉर्मूला याद रखने की बजाय ये सिंगल रिलेशन याद रख लो. क्वेश्चन में गिवन है वो लिखो, जो पूछा गया है वो लिखो, और चेक कर लो कि कौन सी दो टर्म्स को इक्वेट करके आपको आंसर मिल जाएगा. देखो यहां पर मास तो ग्राम में ही होगा, अगर आपको मास किसी और यूनिट में दिया गया है तो पहले आप इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और यहां रखेंगे. बेसिक फॉर्मूला जब हमने पढ़ा था तो वहां हमने लिखा था एम इज मास इन ग्राम. तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि एम इज मास इन ग्राम, ठीक है, उसको ग्राम में ही रखना है. क्लास 740 तक है बेटा, अब अगला पार्ट, अगला केस इसी का, ठीक है. मॉलिक्यूल्स में भी वैसे ही आ जाएगा ना. चलिए एक क्वेश्चन से समझ लेते, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए तो एन की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और मोलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा. चलो ठीक है, एक क्वेश्चन उस पर भी कर लो. कैलकुलेट मास ऑफ थ्री इंटू 10^24 वाटर मॉलिक्यूल. कैलकुलेट मास ऑफ 3 × 10^24 वॉटर मॉलिक्यूल्स, कीजिए सॉल्व. एक जिन बच्चों को अभी मॉलिक्यूल के का क्वेश्चन करना है उनके लिए दिया है हमने क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ 3 × 10^24 वॉटर मॉलिक्यूल्स, जल्दी कीजिए, फिर अगला पार्ट बता रहा हूं मैं. नाइन ग्राम एक आंसर मिला है मुझे, 9 ग्राम एक आंसर मिला है, 90 ग्राम 9 ग्राम है, 90 ग्राम 90 ग्राम 9 ग्राम 90 ग्राम 9 ग्राम 90 ग्राम. चलिए जो आंसर आ रहे हैं वो 9 और 90 आ रहे हैं, ठीक है. चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं. कैलकुलेट मास ऑफ 3 × 10^24 वॉटर मॉलिक्यूल, ठीक है. तो मैं पूरा रिलेशन लिखता हूं जो भी हमने लिखा था. N इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है. गिवन वैल्यूज क्या है, N की वैल्यू गिवन है 3 × 10^24. पूछा क्या है, मास. तो N की वैल्यू गिवन है, मास पूछा है, तो सेकेंड और थर्ड टर्म को इक्वेट कर दें. तो सेकेंड और थर्ड टर्म को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, N अपॉन Na इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है. तो यहां से मास को क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए इंटू मोलर मास. एन की वैल्यू कितनी है, 3 × 10^24. एन ए की वैल्यू कितनी है,
सिक्स इंटू 10^23 इंटू मोलर मास कितना है वाटर का, 18, H2O है ना, 2 + 16 = 18। बस अब इसे सॉल्व करना है, तो ये 23 से ये कैंसिल हो गया 10, 3 से ये आ गया 2, तो ये हो जाएगा 180/2, यानी ये वैल्यू आ गई 90 ग्राम। तो जिन बच्चों का 90 ग्राम आंसर था वो करेक्ट है, ठीक है, जिन बच्चों का आंसर 90 ग्राम था वो आंसर करेक्ट है, करेक्ट 90 ग्राम बिल्कुल ठीक, 90 ग्राम आंसर करेक्ट है। चलिए अगला पार्ट जो मैं समझा रहा था इसी का अगला केस लिख लिया सभी ने, ठीक है, अगला केस समझ लीजिए। जैसे एक मॉलिक्यूल है C2H4, है ना, C2H4 आपका एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें अगर आपको दे दिया है ना मास इज इक्वल टू 56 ग्राम, मास इक्वल टू दे दिया 56 ग्राम, आपको कहा है फाइंड मोल्स ऑफ नंबर वन C2H4 मॉलिक्यूल, नंबर टू कार्बन एटम्स एंड नंबर थ्री हाइड्रोजन एटम्स। C2H4 का 56 ग्राम दे दिया आपको, C2H4 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये पूछा है इसमें, कार्बन के एटम्स कितने हैं है ना, मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं ये पूछा गया। तो इसको आप समझ लीजिए, सबसे पहले तो मोल्स ऑफ C2H4 मॉलिक्यूल तो हम कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास, तो मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 56 और C2H4 का मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ C2H4 28, बिल्कुल ठीक, तो डिवाइडेड बाय 28 विच इज इक्वल टू 2, है ना, ये 2 × 12 + 4 × 1, तो दिस इज इक्वल टू 28, ये इसका मोलर मास हो गया है ना, ग्राम पर मोल। तो यहां पर C2H4 का मोल्स आ गए 2, लेकिन अब आपसे ये पूछा है कि कार्बन के कितना है, कार्बन एटम्स के कितने मोल्स होंगे। अब देखो C2H4 में हम पहले ऐसे कर चुके हैं सवाल, C2H4 में एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम्स कितने हैं, 2, तो जितने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन के एटम्स कितने हो जाएंगे, उसके डबल, तो यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स दिस इज इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4, तो दिस इज इक्वल टू 2 × 2 विच इज 4। और ऐसे ही अगर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स पूछ लिया आपसे, तो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन आइटम है 4, तो आप क्या करोगे, जितने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसको आप किससे वो मल्टीप्लाई कर दोगे 4 × मोल्स ऑफ C2H4, तो दिस इज इक्वल टू 4 × 2 यानी 8। तो कई बार आपको मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ना पूछते हुए किसी एलिमेंट के मोल्स के बारे में पूछ लिया जाता है ना, तो जब किसी एलिमेंट के मोल्स के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, आपको मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, उसमें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है उस एलिमेंट के, उससे सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको मोल्स ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। डन, चलो जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो।
ठीक है। In 68 gram ammonia, find moles of molecules, moles of nitrogen atoms and moles of hydrogen atoms. है ना? पहले सॉल्व कीजिए, फिर तीनों पार्ट का आंसर मैं आपसे पूछता हूं वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया? फोर। ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर फोर मोल। सेकेंड पार्ट का आंसर फोर, और थर्ड पार्ट 12। करेक्ट, है ना? फर्स्ट पार्ट का आंसर फोर, सेकेंड पार्ट का आंसर फोर, और थर्ड पार्ट का आंसर 12। चलिए, ये आंसर तीनों करेक्ट हैं, समझ लेते हैं इसे। तो फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले तो हमें मास दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट पार्ट में हमें मास दिया हुआ है कितना? 68 ग्राम। तो मोलर मास अमोनिया का कितना हो जाएगा? 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। तो मोलर मास हो जाएगा 17 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास इज 68, मोलर मास इज 17, तो दिस इज इक्वल टू 4 मोल। तो फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज 4। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आइटम्स निकालने। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन आइटम कितना है? 1। तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 4। तो सेकेंड पार्ट का भी आंसर 4 मोल आ जाएगा। और जो थर्ड पार्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स निकालने। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन आइटम है? 3। तो जितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होंगे उसके 3 टाइम्स हो जाएंगे हाइड्रोजन के आइटम, तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12 मोल। तो ये हो जाएगा 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम। ठीक है, ये आ गया है समझ में सभी को? सभी को क्लियर? ठीक है, है ना? तो देखिए, मैं जो बिगनर बॉक्स है, है ना, तो मॉड्यूल के जो बिगनर बॉक्स हैं उनका आपको पोस्ट कर दूंगा। तो उसमें क्या है, बिगनर बॉक्सेस और एक्सरसाइजेस सब है, और उनके साथ में उनके सॉल्यूशंस भी हैं। तो आप लोग बिगनर्स बॉक्स 1 ट्राई कीजिएगा आज, ठीक है? लेकिन उनके सॉल्यूशन आप पहले मत देखिएगा, सॉल्यूशन आपको बाद में देखना है। तो होमवर्क में आपको बिगनर्स बॉक्स 1 करना है आज, जो मैं पोस्ट करूंगा उसका बिगनर्स बॉक्स, है ना? आपके मॉड्यूल में हो सकता है थोड़ा डिफरेंस हो, तो मैं आपको ग्रुप पे जो पोस्ट करूंगा एक सॉफ्ट कॉपी, है ना, एक पीडीएफ में पोस्ट करूंगा, उस में
बिगनेस बॉक्सेस भी दिए हुए हैं, ठीक है, बिगनेस बॉक्सेस भी दिए हुए हैं और उनके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो सॉल्यूशन आप पहले मत दिखिएगा, आप पहले उन्हें सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद में आप सॉल्यूशन रिफर कीजिएगा, और जो नहीं समझ में आया वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो होमवर्क में आपको बिगनेस बॉक्स वन करना है। अब देखिए अगले टर्न पे हम लोग कुछ और, हाँ आपको जो भी हम देखिए आपको जो कॉपीज बनानी है, एक तो क्लास नोट्स की कॉपी आप बनाई रहे है ना, अभी आप क्लास नोट्स की आप कॉपी बनाई रहे हैं, तो क्लास नोट्स में तो क्लास की एग्जांपल्स और जो भी मैं नोट करवाता हूँ डेफिनेशंस और वो सब आपको नोट करनी है। लेकिन जो होमवर्क है वो आप लोग एक होमवर्क की नोटबुक अलग से बनाइएगा, उसमें बकायदा क्वेश्चन नंबर उसका सोल्यूशन लिखिएगा और उसको अब आप कंपेयर कर लीजिएगा सोल्यूशन के साथ, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आपको मतलब जो नोट कॉपी है वो सिस्टमेटिक अगर बन गई, तो सिस्टमेटिक अगर बन गई है तो उस केस में क्या होगा कि आपको फ्यूचर में जब भी रिफर करना होगा सोल्यूशन आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लास नोट्स की सिस्टमेटिक कॉपी बननी चाहिए और एक होमवर्क कॉपी सिस्टमेटिक बननी चाहिए जिसमें आप बिल्कुल हेडिंग के साथ में करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मोल है बस उसकी एक डेफिनेशन, जो फॉर्मल डेफिनेशन अभी तक नहीं बताई थी उसका मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास इंटू एन ए के बराबर। तो कार्बन का अगर 12 ग्राम ले लें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 12 अपॉन 12 इंटू एन ए, मतलब कितने हो जाएंगे एन ए। तो 12 ग्राम में मोल्स कितना हो गया, 1 है ना, मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास अपॉन मास अपॉन मोलर मास, तो कार्बन के 12 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 1। तो 1 मोल क्या होता है, 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है ना। आप कार्बन का बेटा ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होता है, इसका तो पूरा एक नेटवर्क होता है, ये इसके स्ट्रक्चर से बलो आगे पढ़ोगे है ना, इसको आप आगे पढ़ोगे। अच्छा तो एक काम करो, कुछ बच्चे ये नोट करना चाहते हैं तो चलिए नोट कीजिए, मैं आपको नोट करवा रहा हूँ है ना, नोट करवा रहा हूँ, आप लिखिए इसे। 1 मोल की डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हाट इज मोल, लिखिए इसे। देखिए द मोल इज डिफाइंड एज, the mole is defined as the amount of substance, the mole is defined as the amount of substance the mole is defined as the amount of substance that contains as many elementary entities like atom, molecule, etc. that contains as many elementary entities like atoms, molecules, etc. as there are atoms in 12 gram of In 12 gram of isotope C12, as number of atoms in 12 gram of isotope C12,
12 ग्राम ऑफ आइसोटोप C12, है ना। तो वन मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज लाइक एटम्स मॉलिक्यूल एक्सेट्रा एज देयर आर एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ आइसोटोप C12। मतलब 12 ग्राम C12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, है ना, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने पार्टिकल्स जो होते हैं वो वन मोल कहलाता है, और वो कितने होते हैं, Na के बराबर, वो Na के बराबर होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री एंटिटीज मतलब वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल, है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल। जैसे अगर आप एटम्स की बात करोगे तो एलिमेंट्री पार्टिकल एटम हो गया, है ना। कंपाउंड की बात करोगे तो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल, वो एलिमेंट्री पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके मोल्स निकालने वो पार्टिकल, अगर एटम्स के मोल निकालने तो एटम का नंबर, मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकालने तो मॉलिक्यूल का नंबर, आयन्स के मोल्स निकालने तो आयन का नंबर, वो वन मोल होता है। आप ये डेफिनेशन को एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं और मॉड्यूल में भी दी हुई है, ठीक है। सी मतलब कार्बन, कार्बन 12, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट का ऐसा यूज नहीं होगा बेटा, वो तो सिर्फ मैंने समझा दिया कि आपको फॉर्मूला यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती, फॉर्मूला यूनिट मैंने आपको बता दिया था, उसको मॉलिक्यूलर वेट जैसा ही करना है। फॉर्मूला यूनिट मतलब NaCl की फॉर्मूला यूनिट होती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला यूनिट वो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब आयनिक सब्सटेंस के को मॉलिक्यूल की जगह फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, जैसे NaCl है, ठीक है। तो NaCl का मॉलिक्यूल ना बोलते हुए हम उसकी फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मोल की डेफिनेशन एक बार आप देख लीजिएगा, मॉड्यूल में भी मिल जाएगी आपको, ठीक है, मॉड्यूल में भी मिल जाएगी और आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, ठीक है। अगले लेक्चर में कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो आगे कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क में अभी आपको बिगनर्स बॉक्स 1 करना है, उसका जो मैं आपको पोस्ट करूंगा, है ना, तो उसका आपको बिगनर्स बॉक्स 1 करना है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आज के लेक्चर में सब क्लियर हो गया है ना सभी को, कोई डाउट तो नहीं रह गया, ठीक है, ओके बेटा, बाय।